मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास नाइन्थ का लेसन फर्स्ट जिसका नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अभी तक जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने सेल के बारे में आपको बताया है, सेल के टाइप्स आपको बताया है, इसके साथ साथ मैंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया है। आज जो हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट हम लोग का टॉपिक जो होगा वो होगा सेल थ्योरी। आज हम लोग जो टॉपिक फर्स्ट स्टडी करेंगे वो होगा सेल थ्योरी। तो चलते हैं सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे। व्हाट इज सेल थ्योरी? तो इसको बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ आप कमेंट भी करते रहें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको भी मैं क्लियर करता रहूँगा। इसके साथ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नेम है सेल थ्योरी। तो मैं आपको बता दूं, दिस थ्योरी वाज फर्स्टली गिवन बाय टू साइंटिस्ट। फर्स्ट साइंटिस्ट नेम वाज स्लाइडेन एंड सेकंड साइंटिस्ट नेम वाज स्वान एंड टू साइंटिस्ट इन 1838-39 टाइम गिव अ कॉन्सेप्ट ऑन सेल एंड दैट कॉन्सेप्ट आर नोन एज सेल थ्योरी। तो आप बता सकते हैं सेल थ्योरी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, फर्स्ट स्लाइडेन एंड सेकंड स्वान इन 1838-1839। ओके, टू साइंटिस्ट स्लाइडेन SHL स्लाइडेन एंड स्वान, टू साइंटिस्ट स्लाइडेन एंड स्वान इन 1838-39 टाइम पे इन्होंने, दो साइंटिस्टों ने मिलकर एक कंसेप्ट प्रपोज किया और वो कंसेप्ट जो दिया सेल पर, उस कंसेप्ट को हम स्टडी करते हैं इन सेल थ्योरी। ओके, तो ये कंसेप्ट में उन्होंने क्या क्या बताया, सेल थ्योरी में क्या यूज किया है, कौन सा कंसेप्ट दिया है, उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट है बेटा, ऑल द ऑर्गेनिज्म, ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ऑल द ऑर्गेनिजम्स बॉडी मेडअप ऑफ मेडअप ऑफ सेल। पहला उनका कंसेप्ट है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है उन सभी की बॉडी जो है सेल से बनी है। ओके, तो वही कंसेप्ट है, और ऑर्गेनिजम्स बॉडी मेडअप ऑफ सेल। ओके, सेकेंड कंसेप्ट, ऑल the function of body of organism takes place in cell। मतलब कहने का, जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी के, फंक्शंस, ऑल द फंक्शंस ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस इन सेल। तो सेल में फंक्शन होते हैं और उस सेल में फंक्शन होने से ही पूरे बॉडी का फंक्शन होता है। ओके, थर्ड कंसेप्ट है वो है आपका और न्यू सेल
arise a new cell arise from pre-existing cell by cell division. Okay, तो जो भी न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, कोई भी न्यू सेल फॉर्म होती है तो प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो प्रेजेंट सेल होती है उन्हीं सेल में डिवीजन होने से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। ये कंसेप्ट आपके टू साइंटिस्ट ने गिवन, वन नेम वाज स्लाइडेन and second name was Swan. Okay, another concept भी है बेटा जो आपके NCERT में mention किया है, आप देख भी सकते हो, और मैं extra भी आपको बता दे रहा हूँ, वो है every living cell contain protoplasm. Every living cell contain protoplasm. जितनी भी living cell होती हैं, उनमें क्या present होता है? Protoplasm. अगर कोई cell में protoplasm नहीं present होता है, तो वो आपकी cell dead होती है, और जिस cell में protoplasm present होता है, वो आपकी cell living होती है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट आपके साइंटिस्ट ने दिया जिनका नाम है स्लाइडेन एंड स्वान, और इस कंसेप्ट को किस नेम से जाना गया बेटा? सेल थियरी के नेम से। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों का सेल थियरी कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ये रहा कंसेप्ट। ओके, तो मुझे विश्वास है, मैं आशा भी करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, और जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ सेल। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, पार्ट्स ऑफ सेल। टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नेम है पार्ट्स ऑफ सेल। Three parts. और कोई भी पूछता है सेल कितने पार्ट्स से मेड अप होता है या सेल के कितने मेनली पार्ट्स होते हैं, तो आप कितने बताओगे? थ्री। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेल? द सेल हैव मेनली थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड पार्ट नेम साइटोप्लाज्म। एंड थर्ड पार्ट नेम न्यूक्लियस। सेल हैव थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट नेम इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड पार्ट नेम इज साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड पार्ट नेम इज न्यूक्लियस। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
राजमा मेंढरे व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्टली आप बताओगे इट इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन ओके इसके साथ बताओगे इट इज अ बाउंड्री इट इज अ बाउंड्री दैट प्रेजेंट सॉरी दैट सॉरी वन मिनट दैट प्रेजेंट Around cytoplasm. That present around cytoplasm. तो आप बता सकते हो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन इट इज अ बाउंड्री दैट प्रेजेंट अराउंड साइटोप्लाज्म ओके इसके बाद आप बताओगे It is made up of lipid and protein. It is made up of lipid and protein. और ये lipid and protein दो components से मिलकर बना होता है ये हो गया इसके बाद it work as semi permeable membrane और ये कैसा वर्क करता है बाबू इट वर्क एज अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन और इट्स नेचर एज सेमी परमीएबल या इसका नेचर भी कैसा होता है सेमी परमीएबल इसका मीनिंग ये होता है कि इट इज नॉट परमीएबल फॉर ऑल द सब्सटेंसेस ऑल द मैटर ये सभी मैटर के लिए परमीएबल नहीं होता है जो सेल को नीडेड होते हैं उनके लिए ये परमीएबल होता है मतलब इससे जो भी कंपोनेंट्स हैं हमारे जो मैटर है वो सभी इजीली इंटर नहीं कर सकते हैं उनके लिए फर्स्टली हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्ट करता है और सेलेक्ट होने के बाद ही इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर कोई भी मैटर सेल के साइटोप्लाज्म में इंटर करता है तो इस तरीके से हम लोग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट वर्क एज अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन इट आल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन इट आल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन इट इज It to work as semi-permeable membrane. Okay, तो मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया एक बार मैं जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ It is also called cell membrane. It is a boundary that present around the cytoplasm. It is made up of lipid and protein. To work as semi-permeable membrane. Okay, it also called selective permeable membrane. इस तरीके से ये clear हो गया. अब next topic हम लोग discuss करेंगे जो है cytoplasm.
इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। चलते हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेटा, साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म बेटा? टू वर्ड आपके सामने है, साइटो एंड प्लाज्म। साइटो मींस सेल एंड सेकेंड इज प्लाज्मा। यू स्टडी इन ब्लड एंड प्लाज्मा इज अ फ्लूइड। तो इसका मीनिंग यही हो गया बेटा, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड, इट इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स दैट लिव्स इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी आपको लिक्विड देखने को मिलता है, वो जो लिक्विड होता है, जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन, होता है आपका साइटोप्लाज्म। अगर हम एक डायग्राम से आप अगर आपको बताएं तो ये हो गया सेल, और सेल के पास सेंटर में प्रेजेंट है अगर न्यूक्लियस, सेल के अगर सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके सराउंडेड न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के सराउंडेड जो लिक्विड मीडियम प्रेजेंट है, उस लिक्विड मीडियम में आप जानते हो बेटा लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेल। इस लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट होते हैं बेटा सेल ऑर्गेनेल, जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नेम सुना होगा। तो ये सेल ऑर्गेनेल होता है जो आपके सेल के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो फर्स्टली यू से साइटोप्लाज्म मेड अप ऑफ टू वर्ड साइटो एंड प्लाज्मा। साइटो मींस सेल एंड प्लाज्मा मींस फ्लूइड। इनसाइड द सेल फ्लूइड मैट्रिक्स फाउंड एंड दिस फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म एंड इट इज द प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट। और सेल में जो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप सिंपल वर्ड में जान लीजिए कि आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन जो आपके पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं और बॉडी के डिफरेंट वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे ही आपके सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। उन सभी एक्टिविटीज के लिए जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो नॉर्मली अगर कोई पूछे व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल, तो आप बता सकते हैं इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन सेल साइटोप्लाज्म। या स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो सेल साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? सेल ऑर्गेनेल। और वो सेल ऑर्गेनेल कहां पर प्रेजेंट होते हैं सेल में बेटा? तो आप बताओगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म तो बता सकते हो इट इज अ लिक्विड, इट इज अ फ्लूइड व्हिच प्रेजेंट इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस and it is the place where cell organelles form. It is the place where cell organelles form. Okay, तो इस तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ ये भी बता सकते हैं द वेरियस सेलर एक्टिविटीज
also takes place in cell cytoplasm. Cell के अंदर जो भी different different activities होती हैं, अगर कोई एक normal activities की बात करूँ, तो जैसे मैं synthesis of protein, cell के अंदर protein का synthesis होता है बेटा, और वो cell के अंदर जो protein form होता है, वो किस part में होता है, या आपको मैं बताऊँगा, उस part का name है, आपने सुना होगा class 8 में study करते समय राइबोसोम, तो सब के बारे में भी नाम सुना होगा। राइबोसोम को आपके टीचर अगर बताएंगे तो अच्छा है, नहीं तो आज से याद रखना फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, क्यों? क्योंकि वहीं पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। वैसे ही आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि वहां पर एनर्जी स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इस तरीके से जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये सभी प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? दिस प्रेजेंट इन सेल साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो गया। आगे अगले वीडियो में मैं और इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, और साथ में मैं न्यूक्लियस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी आपको डाउट होंगे आप मुझसे पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को, अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।